से अपना पूरा सिलबस कंप्लीट कर लीजिए एंड द स्टूडेंट है पूरा आपका कवर कर लिया है एक एक टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया है एंड इफ एनी स्टूडेंट इज गेटिंग एनी डाउट दे कैन कॉन्टेक्ट एस थ्रू आवर मेल और इन द कॉमेंट सेक्शन सो लेट स्टार्ट वट इज एक्सपोर्ट ट्रेड बच्चे एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है बेसिकली ट्रेड हमने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स जब आप अपने नेशन को छोड़कर दूसरे नेशन के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देते हो ट्रेड इज वॉट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड बट अब आपको मैम एक्सचेंज में तो क्या होगा यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू गिव लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा तो एक्सपोर्ट ट्रेड इज अबाउट गिविंग ओके एक्सपोर्टिंग यू आर गिविंग योर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द अदर नेशन अदर नेशन जो है बच्चे आपके गुड्स की डिमांड कर रहे हैं एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर यू एंड यू आर एक्सपोर्टिंग योर गुड्स फ्रॉम योर ओन नेशन आप अपने नेशन में उनको पूरा मैन्युफैक्चर करते हो प्रोड्यूस करते हो या कहीं से अगर आपको वो कलेक्ट करना है सामान वो कलेक्ट करके और बाहर के देश के लोगों को वो सामान पहुंचाते हो ये होता है एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट का मेन पॉजिटिव साइन क्या है कि इससे आपको बाहर के नेशंस की फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है आपके पास पैसा बाहर से अपने देश में आ रहा है सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू पर्सनली एज वेल एज एंड फॉर द नेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है इजी बचे वेन दी गुड्स एंड सर्विसेज ओके गुड्स और सर्विसेज को जब के क्या क्या किया जाता है मैन्युफैक्चर्ड दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन कंट्री एक देश में उनको मैन्युफैक्चर किया जाए और वही गुड्स एंड सर्विसेस को मैन्युफैक्चर करने के बाद दे आर यूज बाय दी अदर ओके यूज बाय एनी अदर कंट्री सो दैट इज यूज बाय दीपल ऑफ अदर कंट्री दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट रेट एक्सपोर्ट रेट ये होता है कि एक नेशन में तो वो सामान बन रहा है बट उस नेशन के लोग उसको यूज नहीं कर रहे उसको यूज करने वाले जो लोग है वो दूसरे देश में है

आप दूसरे नेशन में उस सामान को भेजते हो अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं मैंने इंडिया see, okay? हमारी जो एशियन नेशन है हाँ और आपने देखा अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएं तो हिस्ट्री में बाहर के जो इन्वेडर्स थे वो हमारे स्पाइसेस की वजह से इंडिया में आए दे स्पाइसेस अ लॉट एंड स्पाइसेस टू देयर होम कंट्री सो इंडिया इज रिच इन स्पाइसेस देते हैं इट इज कोल्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसी मीन्स आप स्पाइसी का एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको आप अपने देश से दूसरे देश में बाहर भेज रहे हो ऑल राइट सो देखो बच्चे हर कंट्री अपनी एक एक वहाँ की चीज़ के लिए फेमस होती है जो भी उनकी इंडिजीनियस चीज़ है होम कंट्री की वो उसके लिए फेमस है एंड एज यू कैन से आवर कंट्रीज आर नाउ दे आर रिच विद द नेचुरल रिसोर्सिस बट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंडिया में आपको स्पाइसिस देखने को मिलेंगे एज आई टोल्ड यू नागपुर में ऑरेंजेस हैं है ना कश्मीर के शॉल्स एंड हिली एरियाज की एप्पल्स फेमस हैं ऐसे ही अगर आप ईस्ट uh, साइड चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड देर इज टी है ना चाय बहुत है सो दीज आर द समथिंग्स दैट द कंट्री इज़ फेमस फॉर एंड दिस इज़ जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया इफ़ यू लुक एट द अदर कंट्रीज लाइक अरेबिक कंट्रीज दे आर फेमस फॉर देयर ऑयल है ना वहाँ पर ऑयल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड इफ़ वी गो टू द अदर नेशंस लाइक रशियन कंट्रीज जर्मनी दे आर फेमस फॉर कैपिटल गुड्स वहाँ की मशीनरी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रोंग है कैपिटल गुड्स वहाँ के स्ट्रॉग हैं राइट सो दिस इज़ द थिंग्स और ये हर कोई कंट्री बच्चे इंटरनेशनल ट्रेड एक्सिस्टेंस में आया जिसमें यह था कि जो हमारे यहाँ की चीज फेमस होगी वो हम आपको देंगे और जो आपके यहाँ फेमस है या रिच है मीन आपके पास में है आप वो हमें दीजिए ताकि एक बैलेंस बना रहे राइट right? अगर आप अपने ही प्रोडक्ट्स को यूज करते रहेंगे तो वो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाएगा कब तक आप अपने करते रहेंगे करते रहेंगे जो अबंडेंस में है उनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड दैट इज और उससे फायदा उठाइए यही इंटरनेशनल ट्रेड था बच्चे और इसमें हम एक्सपोर्ट जब करते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज अबंडेंस में है ज्यादा मात्रा में है और उस प्रोडक्ट को हम बाहर के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं थ्रू दिस वी वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड थ्रू okay. so कैसे, कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं मतलब बाहर हम सामान भेज सकते हैं वेरी इजी शिपिंग करके ईमेल ईमेल ई सर्विसेज़ को आप दे रहे हो आपने कोई एक्सपर्ट है आपने सपोज कीजिए अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बाहर के कोई फेमस डॉक्टर को भेजी हैं और वो उन रिपोर्ट्स को चेक करके अपने जो भी आइडियाज हैं व्यूज हैं उनको बता रहे हैं व्हाट यू हैव टू डू नाउ दैट इज उन्होंने मेल किया तो वो सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट की सर्विसेज आपके पास कैसे थ्रू दिस मेल ई मेल ऑलराइट बच्चे देन एयरवेज के थ्रू आप सामान भेजते हो प्राइवेट प्लेन्स भी आप यूज कर सकते हो सो दीज आर द क्वाइट थिंग्स थ्रू विच एक्सपोर्ट ट्रेड इज डन राइट नेक्स्ट इज बेसिकली इसमें क्या होता है प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली मीन आपकी जो कंट्री है होम कंट्री है डोमेस्टिकली हम उसे बोलेंगे यहां पर मैन्युफेक्चर होता है एंड जो ये ट्रेड किया जाता है दैट इज डन इन फॉरन कंट्री एंड दिस होल थिंग इज नॉन एज एक्सपोर्ट ट्रेड ऑल राइट देन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट किस चीज में रिजल्ट करते हैं अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं दैट विल रिजल्ट इन द सरप्लस फॉर द नेशन नेशन के लिए एक पॉजिटिव साइन है सरप्लस मीन्स हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है फॉरन इनकम नेशनल इनकम की पार्ट है ना फॉरन इनकम तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है हमारी इकोनमी स्ट्रॉग हो रही है राइट बच्चे अनदर थिंग जो आपको एक्सपोर्ट रेड के बारे में जाननी है दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड इज स्ट्रिक्ट गवर्न अंडर द किस चीज के अंडर गवर्न होता है अंडर द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चे दैट एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेड नेम में ही है, ट्रेड को संभालती है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है उनके ट्रेड को कि कि पर क्वालिटी प्रोडक्ट ट्रेड किया जा रहा है कि नहीं क्या इनके बीच में कोई डिस्प्यूट तो नहीं अराइज हुआ गुड्स से रिलेटेड या पेमेंट से रिलेटेड तो वो सारे मैटर्स जो भी होते हैं वो सॉल्व कौन करती है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके और इसके स्ट्रिक्ट रूल्स पार्टीज को फॉलो करने ही हैं नाउ एट लास्ट लेट स्टडी वर दी ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेड के मेजर ऑब्जेक्टिव या एडवांटेजेस क्या रहे जिससे ये एक्सपोर्ट ट्रेड जो है एग्जिस्टेंस में आया सो लेट स्टार्ट बचे वेरी इजी यू हैच टॉपिक ये जितने भी पॉइंट होंगे अच्छे समझने और समझ में आएगा कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या रोल प्ले करता है इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट सेल ऑफ सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपकी कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो वो अगर अबंडेंस में है बहुत मात्रा में है आप एक लेवल तक ही तो बच्चे सेटिस्फाई हो सकते हो एक लेवल तक आप उनको यूज कर सकते हो बाकी अगर आप उनको यूज नहीं करोगे वो वेस्ट होंगे इसलिए ट्राई टू शेयर नेशन दैट इज सरप्लस गुड्स एंड सर्विसेज को आप सेल करते हो नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही तो है अगर वो वेस्ट रहेंगे तो कोई इनकम नहीं है लेकिन अगर आप उनको प्रोफिशियंटली यूज करेंगे बाहर के लोगों को दोगे जिससे पैसा आएगा मतलब आपने उसकी यूटिलाइजेशन का पूरा फायदा उठाया है ओके नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब आपके लिए ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी आपको लोग चाहेंगे आप आप चाहते हो कि आपको पास आ, मतलब पीपल एम्प्लॉयड पीपल आए जो आपके पास काम करें आपकी सर्विसेज को पूरा करें जब आप बाहर के लिए एक्सपोर्ट करोगे तो शिपिंग कंपनी में भी लोग चाहेंगे वर्कर्स उनको नीड होगी जस्ट लोडिंग अनलोडिंग करें सेम वे आपको बाहर भी जब वो एक्सपोर्ट होके जाएगा तो वहां भी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे नेक्स्ट इज देर इज ग्रोथ इन फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज में रिजल्ट आता है इनकम आपकी इंक्रीज होती है नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम किस लिए इंक्रीज हुई ड्यू टू फॉरन इनकम आपके पास फॉरन करेंसी आई और नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है फॉरन एक्सचेंज बढ़ा है ओके okay? एक्सपोर्ट से तो बच्चे वो अपनी होम करेंसी की ही वैल्यू को देंगे ना आपको तो इससे फॉरन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी फॉरेन इनकम आएगी फॉरेन इनकम इज नेशनल इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी ऑल राइट सो दीज आर देनिफिट जो की आपके एक्सपोर्ट ट्रेड के हैं एंड टूडे सेशन आपको एक्सपोर्ट ट्रेड का पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या एक्चुअली होता है वट रोल डज इट प्ले इन वन कंट्रीज डेवेलपमेंट ऑल राइट सो विद से आई होप यू एंजॉय इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी वट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट रेट कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे पहले कहा सामान रखना होता है फिर वो कैसे इम्पोर्टर तक पहुंचता है दैट वी ऑल स्टडी इन दैट सेशन स्टे फॉर दैट थैंक यू